मुकेश सहनी जी से जो अदावत थी वो अब कहाँ तक है, क्या वो अदावत समाप्त हो गई है, वो महागठबंधन पीछे आया? वो तो महागठबंधन आ गए और मुकेश सहनी अजय तो भाई भाई हैं, भाई हैं, भाई भाई हैं। मुजफ्फरपुर में जो अदावत थी जब अलग अलग थे, वो जहाँ का चुनाव लड़ रहे थे, पुरनी का चुनाव लड़ रहे थे, तब नहीं नहीं वो तो एक ये था पार्टी में अलग थे जी, लेकिन अब आ गए गठबंधन में तो भाई। आरोप लगा कि वो अनएक्टिव लीडर है बीजेपी के, इसीलिए उनका टिकट कट गया है। वो तो बहाना था जी, वो ही खुद का असमर्थ है जी। तो 4 लाख की जो जनता वोट दी है वो जनता लोग का नहीं समझता जी, जीते हुए जो 4 लाख के वोट से जीते हुए जो सांसद थे उनको टिकट काट देना, जिसको जनता ने हराया था उसको ला के सर पर बैठा लेना, ये जनता का अपमान है जी। नित्यानंद राय जी भी इस पर ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो अनएक्टिव लीडर थे इसीलिए उनको हटाया गया। देखिए कौन कहाँ क्या दिया ये तो हम नहीं जानती, लेकिन इतना है कि जनता जो वोट दिया और जनता ने इतना भारी बहुमत से जिताया, ये जनता का वोट का जिसको हराया उसी को उसको टिकट काट के उसको टिकट दे दिया गया, जनता सोचेगा जनता का अपमान हुआ। अदानी हम ये आपको टाटा बिरला प्रदेश का प्रधानमंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए बीजेपी में ज़्यादा अंतर से जीतना दुर्भाग्यपूर्ण जी, इसी का पनिशमेंट हमारे सांसद प्रधानमंत्री बोले थे कि हम देश नहीं बटने देंगे जी, लेकिन उन्होंने देश को हिंदू और मुसलमान करके बांट दिया जी। उन्होंने बड़े बहुत गर्व से कहा था हम देश नहीं टूटने देंगे जी, देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन समय के अनुसार देख रहे हैं आप, अभी हम मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान सांसद अजय निषाद जी की पत्नी रमा निषाद जी हैं। आइए जानते हैं आज अजय निषाद जी का टिकट कन्फर्म हो गया है और वो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, और इस लोकसभा के बारे में आपको ज्ञात है कि वो पहले बीजेपी से 2 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं। तो चलिए वर्तमान परिस्थिति पर बात करते हैं और आपको अपडेट करते हैं। अमित समाचार में स्वागत है मैम। मैम महागठबंधन से टिकट क्लियर हो गया है अजय जी का, अब वो महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच होंगे, अब जो उनका एजेंडा है वो भी बदल गया है, तो वैसे में जनता के बीच आप घूम रही, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए जनता के बीच घूम रही हो, जनता पहले से ही उम्मान बनाए हुए कि अजय निषाद जी को ही टिकट मिली महागठबंधन से जी, और ये मिली, जनता बहुत खुश है क्योंकि जुमलेबाजी अब जनता लोग जान गए हैं सरकार का, और हवा हवाई करना और कुछ नहीं करना सरकार का नीति हो गई है, सभी जनता जान गए, सब खुश हैं कि महागठबंधन का सरकार इस पर बनाना है और चुनाव जीतना है। मैम जब उनका टिकट काटा गया तो उन पर ये आरोप लगा कि वो अनएक्टिव लीडर है बीजेपी के, इसीलिए उनका टिकट कट गया है। वो तो बहाना था जी, वो ही खुद का असमर्थ है जी, तो 4 लाख की जो जनता वोट दी है वो जनता लोग का नहीं समझता जी, जीते हुए जो 4 लाख के वोट से जीते हुए जो सांसद थे उनको टिकट काट देना, जिसको जनता ने हराया था उनको ला के सर पर बैठा लेना, ये जनता का अपमान है जी। नित्यानंद राय जी भी इस पर ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो अनएक्टिव लीडर थे इसीलिए उनको हटाया गया। देखिए कौन कहाँ क्या दिया ये तो हम नहीं जानती, लेकिन इतना है कि जनता जो वोट दिया और जनता ने इतना भारी बहुमत से जिताया, ये जनता का वोट का अपमान है जी, और ये जनता इस अपमान को देखे हैं, समझे हैं, और वो जरूर जनता इस अपमान को देख रहे हैं उस तरह का। मैम आप लोगों के बीच में घूम रही हैं लगातार, कैसा बहुत अच्छा, जनता कह रहे हैं कि ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगा जी, अब ये जो है कि कथनी और करनी में अंतर हो गई है, अब हवा हवाई करके वोट लेना और ये नहीं चलेगा, ये जनता कह रही है। मैम मुकेश सहनी जी से जो अदावत थी वो अब कहाँ तक है, क्या वो अदावत समाप्त हो गई है, वो महागठबंधन पीछे आया? वो तो महागठबंधन आ गए और मुकेश सहनी अजय तो भाई भाई हैं, भाई हैं, भाई भाई हैं। मुजफ्फरपुर में जो अदावत थी जब अलग अलग थे, वो जहाँ का चुनाव लड़ रहे थे, पुरनी का चुनाव लड़ रहे थे, तब नहीं नहीं वो तो एक ये था पार्टी में अलग थे जी, लेकिन अब आ गए तो भाई भाई हैं जी। चलिए और लोग हैं उनसे भी बातें कर लेते हैं, आप लोग मैम के साथ घूम रहे हैं? हाँ घूम रहे हैं। जनता के बीच में कैसा मतलब माहौल है अजय निषाद जी के प्रति? अजय निषाद जी के प्रति अच्छा माहौल है, बीजेपी के प्रति आक्रोश जी, इन्होंने 4,10,000 वोट से जीत करके आए जी, और जनता दरबार लगाते थे शनिचर एतवार, 100-200 लोग आकर के काम कराता था क्षेत्र से, और लोग कहीं से अथी नहीं था, और साजिश के तहत जिसको हराए उसी को उसको टिकट काट के उसको टिकट दे दिया गया, तो जनता सोचेगा जनता का अपमान हुआ है, जनता 4 लाख का वोट दिया था,
जीता जाता था आधार प्लस से। चलिए और लोग हैं, अजय निषाद जी के बारे में बता रहे हैं कि वो लगातार जनता दरबार लगाते थे, जनता की समस्याओं को सुलझा रहे थे। वैसे में बीजेपी जो है वो धनबल की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसके सामने अजय निषाद जी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? धनबल अगर है अडानी, हम ये आपको टाटा बिरला प्रदेश का प्रधानमंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बीजेपी में ज्यादा अंतर से जीतना दुर्भाग्यपूर्ण जी, इसी का पनिशमेंट हमारे सांसद महोदय को मिला जी। बिहार में इतने वोटेज और कोई सांसद नहीं जीते जहाँ तक विजय सरकार जी, और लोग सिर्फ जीता ना। पहले जो मुद्दा था हिंदुत्व का मुद्दा था, क्या वो आइडियोलॉजी अब बदलेगी? क्या हिंदुत्व का क्या मुद्दा था? जैसे अजय निषाद जी लगातार मतलब वो पूर पकड़ के राजनीति कर रहे थे बीजेपी में जब से, तो क्या अभी भी उनका एजेंडा वही रहेगा या फिर वो महागठबंधन का हिस्सा बने हैं? महागठबंधन में हिस्सा बने चलेंगे। चलिए और लोग, सर अभी अजय निषाद जी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा रिपोर्ट मिल रहा है? आज के डेट में महागठबंधन और NDA दो धारा है देश में जी। तो 10 साल की सरकार चली NDA गठबंधन जी, उससे हिंदुस्तान के पब्लिक बहुत नाखुश है, इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हम देश नहीं बंटने देंगे जी, लेकिन उन्होंने देश को हिंदू और मुसलमान करके बांट दिया जी। उन्होंने बड़े बहुत गर्व से कहा था कि हम देश नहीं टूटने देंगे जी, देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन बिक गया। इंडियन एयरलाइंस बिक गया, रेलवे बिक गया, BIA आपको BSNL बिक गया, आपको ये क्या कहते हैं इंश्योरेंस वाला क्या है LIC बिक गया, सारा चीज बिकता जा रहा है। तो उन्होंने जो मेन मुद्दा दिया था कि हम देश नहीं टूटने देंगे, तो हिंदू मुसलमान करके तोड़ दिए, और जो जितना भी देश में गरीब और मजदूर को काम करने के लिए जो सरकारी व्यवस्था था, उस सरकारी व्यवस्था को निजीकरण कर दिया, और निजीकरण में उन्होंने आरक्षण भी नहीं दिया। तो अनुसूचित जाति बैकवर्ड वंचित समाज का तो अधिकार टूमेटिक संविधान की धारा से हट रहा है, 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। ये 400 पार का नारा वह हिंदुस्तान की जनता को थ्रेटनिंग दे रहे हैं, वह कह रहे हैं कि बगैर वोटिंग किए हुए, और वो घोषणा कर रहे हैं कि 400 के पार, तो ये तो उनका लग रहा है हम लोग को नेशनल मीडिया में लगातार ये हवा बनाया जा रहा है। इसका यही मतलब होता है कि उनको मालूम है कि देश की जनता वोट दे या नहीं दे, लेकिन EVM में गड़बड़ी करके हम 400 पार हो जाएंगे। एक तो उनकी अंदर की ताकत है जिसके आधार पर बोल रहे हैं, दूसरा वो धमका रहे कि यदि तुम नहीं भी दोगे वोट फिर भी हम 400 के पार करेंगे, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है उनका भाषा में, इस देश की जनता समझ रही है ये कभी भी संभव नहीं है। उनकी सरकार इस बार बननी नहीं जा रही है क्योंकि दलित पिछड़ा विरोधी उन्होंने 100% काम किया है, और लोग भी तो साथ में थे, हम लोग साथ में थे। हम लोग को लगा कि पिछड़ा समाज का बेटा बैठा है गद्दी पर और वो काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पर भेजाएंगे उड़ाएंगे, लेकिन हवाई जहाज पर उन्होंने नहीं भेजाया, उन्होंने क्या किया 5 किलो गेहूं चावल देना शुरू किया। अब सोचिए कि बिहार आज भी 10 साल में सबसे पिछड़े प्रावधान पर है, तो जो उन्होंने घोषणा किया है वो तो महाराष्ट्र के लिए भी वही घोषणा है, दिल्ली के लिए वही घोषणा है, गुजरात के लिए वही घोषणा है, और बिहार के लिए घोषणा है। यदि बिहार के विशेष पैकेज की दर्जा नहीं दिया जाएगा तो बिहार तो फिर निचले पैमाने पर रह जाएगा। सर एक सवाल लेते हैं, मुकेश सहनी जी जो हैं 14 में उनको गठबंधन को 31 सीट मिला, फिर 19 में उनको 39 सीट मिला, अब 40 मांग रहे हैं और दे कुछ नहीं रहे हैं, जो महाराष्ट्र को गुजरात को दे रहे हैं वो यहाँ दे रहे हैं, अकेले अडवाणी को और जो माफ किए हैं उतना में पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ हो जाता, तो बिहार को तो कुछ दिए नहीं है और सिर्फ लेना चाह रहे हैं, बिहार की जनता समझ गई है, इस पर ऐसा जवाब देगी कि भी दोबारा वो कभी सपना में सोचे। एक आखिरी सवाल लेते हैं, मुकेश सहनी जी आप लोगों के साथ है महागठबंधन का हिस्सा है, क्या उनसे जो अदावत थी अजय निषाद जी की वो भारी पड़ेगी या फिर मुकेश सहनी जी का खुले दिल से समर्थन मिलेगा आप लोगों को? मुकेश जी का खुले दिल से समर्थन मिलेगा, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है, उस समय और परिस्थिति पर जैसा निर्भर करता है। आज हम सब लोग भाई भाई है और दलित पिछड़ा के सवाल लेकर के आपके
अजय निषाद सांसद महोदय पार्लियामेंट में बोले थे, इसका रिकॉर्डिंग भी है मैडम के मोबाइल में, जब चाहे हुआ दलित पिछड़ा की बात के लिए बोले, अधिकार के लिए बोले, उनको टिकट काट दिया गया। इस चीज को उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया, टिकट काटा तो फिर जो दलित पिछड़ा बाबा साहब अम्बेडकर के ये बनाए हुए संविधान के तहत जो देश में धारा चल रहा है वहाँ जाकर उन्होंने सब अपने आप को समर्पण किया और संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के जो दलित वंचित समाज का जो ताकत है उस चीज ताकत को लेकर के और नरेंद्र मोदी जैसे मनवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए इस बार हम लोग कमर कस लिए हैं और 4 जून के बाद यह पता चल जाएगा कि उनका क्या हाल होने वाला। अजय निषाद जी को टिकट मिला, इससे आप कितने खुश हैं? अजय निषाद जी को टिकट इसलिए खुश है जो जो लोगों ने इनको टिकट काटा और पिछड़ा वंचित समाज को आवाज उठाने के लिए टिकट काटा उसको जवाब देने के लिए अजय निषाद के माध्यम से हम लोग जो है उतरे हैं। इसका जवाब उनको अभी हम लोग पूरे लोकसभा में घूमे हैं और जो हम लोग को आईटी सेल के माध्यम से सब लोग जो अपना कैलकुलेशन किए हैं आधार पर आज के डेट में हम लोग 62,000 से आगे चल रहे हैं और 26 दिन बचा हुआ है। अब सोच लीजिए 26 दिन में कितना बढ़त बनाएंगे। हम लोग 4 लाख यदि कहे हैं तो फिर 4 लाख से जितने जा रहे हैं, ये तमाचा होगा एनडीए गठबंधन का, नरेंद्र मोदी का और उनके साथ में रहने वाले पूरे परिवार का। तो चलिए देखिए, ये सब लोग अजय निषाद जी के समर्थक हैं और उनके इन लोगों के साथ में अजय निषाद जी की पत्नी भी है रमा निषाद जी, वो लगातार क्षेत्र में घूम करके कैंपेन कर रही है और आज अजय निषाद जी का टिकट भी फाइनल हो गया है। तो चलिए, आप हमारे इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताएं और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।